मॉर्निंग स्विमिंग बेटा दी आंसर्स ऑफ 52 एग्जाम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर विल बी आंसर इज डी ओके। टू यू विल मैच द आंसर्स ठीक है। और इसके ओ एक बस ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल लैंग्वेज तो ऑल ऑफ दीज आना था आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन इज बी 1 नॉट सैंडविच बिटवीन इट इज ए इंटरेक्टिव मोड तो आंसर इज ए ठीक है। तो सैंड नॉट सैंडविच मीन्स जब आप ओपन करते हो योर स्क्रिप्ट मोड 1 में 1 कमांड देन सेकंड कमांड थर्ड कमांड तो एवरी कमांड इज जस्ट लाइक ए सैंडविच एक दूसरे के बीच में आया ठीक है। व्हेन एवर यू आर यूजिंग इंटरेक्टिव मोड हाँ तो मैंने आंसर इंटरेक्टिव मोड लिखा ना ए है ओके हाँ फिर आपके पास डी आएगा फिर डी बी आएगा सॉरी स्क्रिप्ट मोड ठीक है। नॉट वर्ड मैंने पढ़ा ही नहीं। नंबर 3 इट इज C1 टू रन दी योर प्रोग्राम इन रन मेन्यू रन मॉड्यूल ओके। देन इन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ पाइथन तो रन मोड इज नॉट एनी मोड ठीक है। तो आंसर इज C1। क्वेश्चन नंबर 5 हु डेवलप पाइथन हियर इज ए यू नो आंसर B1। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ स्टेटमेंट इज अ बेनिफिट ऑफ पाइथन पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज आंसर इज 6A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 विच की इज यूज टू रन द पाइथन प्रोग्राम तो इट इज B1 इट इज F5। क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज विच स्टेटमेंट सिग्निफाई द ड्रॉबैक ऑफ पाइथन तो लेसर इट इज ओपन सोर्स दिस इज नॉट अ ड्रॉबैक दिस इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इट इज नॉट अ ड्रॉबैक इट इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नॉट अ ड्रॉबैक बट लेसर लाइब्रेरीज आर द ड्रॉबैक ऑफ पाइथन दिस इज C1। नंबर 9 which term is given to the smallest individual unit that is talk the token ठीक है meaningful unit is token so A। number 10 which of the following are keywords so here option is B ठीक है हमें match कर लेना। B में 1, 3 and 4 are keywords 1 में क्या था false in 3 it is elif एंड नंबर 5 में था कंटिन्यू दीज आर कीवर्ड्स। नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड इट इज A1 जिसमें लिखा हुआ है द आइडेंटिफायर्स कांट स्टार्ट विद अंडरस्कोर इट कैन बी स्टार्ट विद अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एस्केप सीक्वेंस तो हियर इज स्लैश टी तो आंसर इज बी। नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल लिटरल ऑफ पाइथन व्हिच इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू so it is none। number 14 which is set of the options are valid identifiers this is C1 ठीक है। C1 में आपके पास there इसमें है second 6 and 7 second में था gross 6 में score underscore 1 and 7 it is in 7 marks 1 these are valid rest of are invalid। number 15
what will be the size of a given string beta whenever you are using slash. ठीक है, मल्टीपल अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है तो स्लैश अगर आप लगाओगे तो इट विल नॉट कंज्यूम एनी मेमोरी, बट इफ यू आर नॉट यूजिंग स्लैश इट विल कंज्यूम वन बाइट. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग हियर एस इज इक्वल टू गुड थ्री कोट्स, अगर आपने मल्टीपल लाइन में लेना है थ्री सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, देन हमने ऐसे दिया है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन करेक्टर्स आर देयर, सो वन करेक्टर फॉर प्रेसिंग एंटर की, तो इलेवन प्लस वन ट्वेल्व, बट इफ आई यूज स्लैश हियर इलेवन. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हियर इज आंसर इज बी वन, क्योंकि वी हैव यूज स्लैश so it will not consume any byte. Clear? Next is 16. The another name of a token. Yes, this is D1. Number 17. Which of the following is not the built-in core data? Core data type hoti hai, int, float, ye sari core data types hain. List, ठीक है? इनमें से जो कोर डेटा टाइप नहीं है दैट इज क्लास, दिस इज सी वन. नंबर 18, पिक आउट द ओड वन, तो इंटीजर फ्लोटिंग एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज आर नंबर्स बट लिस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट, आंसर इज सी वन. नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप, तो आंसर इज float is there, tuple is there, string is there, list is there, list is mutable, so here is it, answer is A. Question number 20th, which of the following is not a data type, so series is, list is a data type, tuple is a data type, string is a data type, but series is not a data type, it is C1. Question number 21, which of the following is an example of immutable data type, but here two answers are there, string and tuple, here is answer is E and C. Question number 22nd, which function is used to display the memory address, this is id function. ठीक है, id function से क्या होगा बेटा, memory address display होता है किसी भी variable का. ठीक है, for example क्वेश्चन नंबर 23rd, क्वेश्चन इज 12 प्लस 4 देन लोड विजन 3 इंटू 3, बट अकॉर्डिंग टू द बैड मास रूल डिवीजन पहले होगी उसके बाद मल्टीप्लाई होगा उसके बाद एडिशन. ठीक है, so here is 4 divided by 3, it is a float division, it means here is 12 plus 1 into 3. ठीक है, तो अब उसके बाद 1 into 3 is 3, 12 plus 3 it is 15, तो answer is 15 C1. Number 24, here is three variables are given there, तो आंसर यहां पे आना चाहिए ए वन. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25th, हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, बेटा दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट. इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाला, कौन सा ब्लॉक डिपेंड होगा ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट. So answer is which one? C. Then question number 26. There is a range is given, start from 10, ending value is 4 and minus 3 always. ठीक है,
और इसका मतलब 10 7 और उसके बाद 4 नहीं आना क्योंकि लास्ट से वन स्टेप बैक ठीक है. देयर विल बी ओनली टू वैल्यूज 10 एंड 7 दिस इज D1. नेक्स्ट इज 27. यू कैन नोट डाउन दीज एंड मैच विद योर क्वेश्चन पेपर जो आप टिक लगाए होंगे एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी. 27 हियर इज आंसर इज A1 ठीक है. आंसर 6 आएगा. Suppose a loop is from 1 to 5. Loop breakup होगा. Value होगी 6. ठीक है. तो हम अगर variable को loop के बाहर display कर रहे हैं, it will display 6. हाँ, तो naturally भी तो multiple values आने चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5. Next is 28. Which of the statement will terminate only the current pass of loop and proceed with the next iteration? This is continue. So it is A1. 29. So here answer will be D1. ठीक है क्योंकि x की वैल्यू 3 है तो और here और साथ में जैसे लूप ब्रेक एक कंडीशन ब्रेक होगी तो लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ आपने क्या कहा लास्ट वाला इग्नोर कर दिया ठीक है. आपने आंसर इसका किया होगा आई थिंक हमने किया होगा आंसर इसका बी ऑप्शन की होगी. इट शुड बी D1. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30. द एम्प्टी और नल स्टेटमेंट नल वैल्यू एम्प्टी और नल वैल्यू यस नन दैट इज A1. देन 31 हियर आंसर इज D1 164. ये आपको गलत हो गया चेक ठीक है. 32nd दिस इज A1. 33 आंसर इज हियर इज ट्रू स्टेटमेंट तो स्ट्रिंग कैन बी सिंगल डबल as well as triple quote ठीक है. तो आंसर इज D1. 34 हियर इज विच ऑपरेशन कांट बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के ऊपर कभी भी डिवीजन नहीं लगेगा. प्लस लग सकते हैं नॉट इन लग सकते हैं मल्टीप्लाई लग सकते हैं बट नॉट डिवीजन. तो इट इज D1. क्वेश्चन 35 व्हाट विल बी द रिजल्ट. हमने 123 स्ट्रिंग में लिया हुआ और उसमें ऐड कर दिया हेलो तो आंसर क्या आएगा 123 हेलो ठीक है. टू स्ट्रिंग कैन बी एडेड कंकैटिनेशन दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन. तो आंसर इज B1. क्वेश्चन नंबर 36 बेटा इफ वी we have one string data and when and we multiply that with 3 it will be replicated data 3 times. So answer is here is C1. 37 there is a string of leave yahan pe क्यों एरर क्यों आएगा उसमें. और हमने जो स्लाइसिंग करनी है 3 से लेके 7 तक है ठीक है. 0 1 2 3 ये आएगा क्योंकि एंड तक चाहे 7 तक नहीं है जहां तक भी है तो इट विल बी ड्रिंक ठीक है. दिस इज ऑप्शन नंबर D. क्वेश्चन नंबर 38 हियर इज वन स्टेटमेंट
चेक इन जापान. तो ये चेक करेगा कि ये थ्री करेक्टर्स इमीडिएटली वन आफ्टर वन ये स्ट्रिंग में है कि नहीं. यस, तो आंसर इज ट्रू. तो इट इज ए. There is a again string is given there. String name is again. और हमने slicing करनी है. 1:6:2. So here is starting from 1. It is M. ठीक है, 2 का गैप है और 6 तक. तो पहले 6 काउंट करो. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये एन तक जाएगा, इसे पहले नहीं आ सकता. ठीक है, वन स्टेप बैक. तो फर्स्ट एम, देन जेड एंड देन एम. तो आंसर इज एम जेड एम. दिस इज बी ऑप्शन. क्या हुआ? यस, डाउट बेटा. हाँ, तो ये एक ये वन था ना, यहाँ पे वन हो गया शुरू. फिर टू के ऊपर गैप के ऊपर बेटा यहाँ पे आएगा ना ये वाला. बाय डिफॉल्ट वन होता तो ए पी आए. ठीक है, ये बी ऑप्शन है. ये गलत लग गया, हो गया आपका. ठीक है, देन देयर इज ए केस स्टडी. तो हियर इज ए वन स्प्रिंग विंग एंड विंग लेट अस स्टार्ट इज हियर. ठीक है, आपको उसके बेसिस के ऊपर स्लाइसिंग दी हुई है. कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो इफ वी काउंट द लोअर केस, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ये गलत हो गया यहां पे. इतने स्किप कौन सा करती है? क्वेश्चन नंबर 40 का बी आंसर था. क्वेश्चन नंबर 39 में ट्रू था, उसका आंसर ए था. 39 का ए था. स्किप कौन सा हो गया क्वेश्चन? फोर्टी का आंसर बी था, 39 का आंसर ए था. जापान वाला क्वेश्चन इसमें था. 38 का था डी. टिकट्स का पीछे चले गए. 37 का आंसर ए, 36 का सी. यहाँ से ठीक है, ये मैच कर लेना. क्वेश्चन नंबर 41. So answer is we will have to count the lower case. So lower case characters here are 15. ठीक है, 15 lower case characters होंगे. Coding is there. ठीक है, then हमने digit count करने थे 42nd question में. Coding is there. तो हमने क्या लगाया हुआ है? Is a digit. तो ये count करेगा क्योंकि इसमें digit है ही नहीं थे. तो it is 0. तो answer is B1. 43rd question. We count WI. ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ है? S dot count function WI. WI character repeat कहाँ पे हो रहे हैं? WI. तो in twinkle में WI, then twinkle second time आया, तो two time repeat हो रहे हैं. तो answer is 2. So it is A1. Question number 44. रिजल्ट ऑफ लेंथ एस. तो एस की ट्विंकल ट्विंकल लेटर स्टार इंक्लूडिंग स्पेसेस, इसकी जो लेंथ है दैट इज 27. आंसर इज बी. देन 45. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ गिवन मेथड. हम क्या कर रहे हैं? एस डॉट फाइंड एन के एल. बेटा जब फाइंड विल फाइंड दी दीज थ्री करेक्टर्स एंड रिटर्न अस द स्टार्टिंग इंडेक्स. ठीक है, तो एन कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ट्विंकल ट्विंकल में जो सेकेंड टाइम ट्विंकल आया था उसमें के ट्विंकल में टी डब्ल्यू आई स्मॉल में था.
एन के एल ई कैपिटल में था, तो एन के एल उसको मिल गया यहाँ पे, तो ये इसका एन काउंट इंडेक्स, तो एन का इंडेक्स 11 है, ठीक है, तो ये इंडेक्स पे आंसर आएगा, इंडेक्स में, तो आंसर इज सी. दीज आर दी 45 क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वेरी मच सिमिलर टू योर स्ट्रिंग, हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग में हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. डिफरेंट एलिमेंट कैसे हैं? दिस इज 0 एलिमेंट, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ठीक है, इंडेक्सिंग देयर आर टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग. अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ S2, तो डिस्प्ले में क्या आएगा? 0, 1, 2, ये टू डिस्प्ले करेगा. ऐसे ही स्ट्रिंग की नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है -1, -2, -3, -4. इफ आई एम शोइंग हियर S-2, तो इट विल डिस्प्ले, ठीक है, तो स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4. इन द सेम वे देयर आर सम मोर डेटा टाइप दैट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज. इसमें हमारे पास है लिस्ट, टपल, ठीक है, so we are going to discuss one by one. In case your values are within square bracket, this is called a list. Paper में in plus two paper there is one question. आपको एक डेटा टाइप दी होती है, नीचे लिखा होता है कि आइडेंटिफाई. अगर ऐसे है तो ये क्या बन जाएगी? लिस्ट. इन केस दिस इज इन ब्रेसेस, दिस इज कॉल्ड टपल, दिस इज कॉल्ड टपल. एंड इफ वैल्यूज आर गिवन इन कर्ली ब्रैकेट, this is called dictionary. Clear? Simply according to the brackets, you can find out the data type. So this one is list. This one is tuple, and this one is dictionary. Now, these three data types are very much similar to string. अब string के similar कैसे? इसमें भी indexing same होती है. 0, 1, 2, 3, and 4. If I display L3, क्या display होगा? ठीक है, और सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये -5 है, दिस इज -4, सिमिलर टू स्ट्रिंग. क्लियर? अब स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्लियर हो गई. अब अगर हम यहां पे स्लाइसिंग करते हैं इसकी, इट इज सिमिलर. स्टार्ट फ्रॉम 1:4,
कॉलन टू, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंडिंग इज फोर, फोर से एक्सेप्ट पीछे तो थ्री, तो वन से लेके थ्री तक और इंक्रीमेंट किसका लगेगा टू का, तो ये डिस्प्ले करेगा वन थ्री पे तो ऑलरेडी वन एंड थ्री, तो इट विल डिस्प्ले 33 एंड गुड, सिमिलर स्ट्रिंग जैसा, बट द मेन थिंग दैट डिफर योर लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रिंग इज ए म्यूटेबल इन नेचर. ठीक है, तो सॉरी लिस्ट इज ए म्यूटेबल. अगर मैं स्ट्रिंग के केस में एस टू को चेंज करता हूं, मैं इसकी जगह ले रहा हूं टी, तो जीरो वन टू, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो ये चेंज नहीं होगा. क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग इज इनम्यूटेबल. इट मींस इफ वी हैव गिवन द वैल्यू, दैट वैल्यू इज फिक्स्ड, वी कांट चेंज द वैल्यू. बट सेम थिंग इफ आई वांट टू डू इन लिस्ट, दिस इज पॉसिबल. सपोज इन द केस ऑफ लिस्ट आई वांट टू चेंज 45 in place of 45, मैंने 46 करने हैं, तो इसका इंडेक्स क्या है 2, हमने क्या करना है L 2 is equal to 46, list will be updated, automatically updated, clear? So now in your computer open Python. Declare list like this. Good की जगह ना बेटा यहाँ पे आप ऐसे कर लो, कोई value दे दूँगा. इसका एक reason मैं बाद में बताऊँगा. ठीक है? Declare this list. In interactive mode, immediate mode. L is equal to in square bracket 12, 33, 45, 78, 56 and close square bracket, press enter key. After that, type L and press enter. L is the name of the list, na? Sare element display ho jayenge. Small L to nahi hai. Jo humne declare kiya tha, capital L tha. Aapne aise declare kiya, L diya tha na yahan pe. तो एस डिस्प्ले करो. हो गया डिक्लेयर. नाउ वहां पे दो यहां वेरिएबल की वैल्यू चेंज करो. एल टू इज इक्वल टू 46. देखो चेंज हो रहा है. Again, display as yes, Krish, then you will find the value will be updated. Okay, value change will be. Next is okay. Yeah, the clear. There are some functions. ऐसे करो जो use करो slicing करोगे तो तब भी same आएगा. Use here sum L. So it will find out sum total of all the elements. That's why मैंने वहाँ पे string value हटा दी थी. ठीक है? If there is a string value, it will not calculate. If all the values are numeric, it will find out sum total.
Krish, you will do sum in bracket S. Okay, quickly do this. Use here min L. So it will show the minimum element. Max L. It will show maximum element, maximum value. Sum min max. Variables change only after this. Otherwise, difference is not. Yes. Any doubt in this? Now, here is length len bracket me L. It will tell number of elements. Length len in braces take L. So it will tell us give the result 5. So 5 elements we have. Clear? बेटा जैसे ही ये functions की function में मिश्र क्या होगा function name in bracket in braces list का name ये है these are called functions. अब there are some methods. Method जब भी use होगा remember one thing. ये तो देखो बेटा पहले होगा list का name whether this is a string whether this is a tuple method हमेशा जैसे use होता है l dot ठीक है l लिस्ट भी हो सकती है मे बी टपल मे बी स्ट्रिंग l डॉट आप यूज करते हैं ना l इज अपर s डॉट इज अपर इट मींस दैट इज अ मेथड ठीक है यूज अपेंड 78 करके देखो एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले l यू विल 78 की जगह मैं 81 ले लेते हैं क्योंकि 71 ऑलरेडी देयर यस अपेंड L dot append 81 and display L again and observe the changes. Yes, one more element is added at the end. You will find new list that contain 81 here. So append function is added one element at the end of your list. Yes, added. Clear? Yes. Now, there is another function extend. बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना है. अच्छा इसके एक और काम करना बेटा. एक और काम करो. 81 ऐड हो गया. अब अपेंड में आपने क्या करना है टेक स्क्वायर ब्रैकेट ऐड ऐसे करके 100 एंड 120 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऐसे डिस्प्ले एंड फाइंड आउट द रिजल्ट अब यहां पे देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब यहां पे पता क्या हो रहा है यू विल फाइंड अ रिजल्ट 12
33, 45, 78, 56. I also added 181 भी ऐड करवाया था मैंने. अब उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, 100 आ रहा है, देन 120, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. ओके बेटा, यहाँ पे अब इफ यू आर नाउ लिसन, इफ यू वांट एड फंक्शन, अपेंड फंक्शन इज बेसिकली एड सिंगल एलिमेंट. If we try to add more element, it means we are going to create a nested list. ये list के अंदर क्या बन गई? List. अब ये देखो इसका index क्या है? 0, next देख लो इधर. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Display L6. Display L6. What will be the result? 100 एंड 120 इकट्ठे आएंगे दोनों, कंबाइन करो जल्दी से. सेम इंडेक्सिंग, एक भी डाउन वेक्टर नहीं. यस, वेरी गुड. आगे आंसर आपका. नाउ वन क्वेश्चन फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स. इफ आई वांट टू डिस्प्ले ओनली 100, तो थिंक अबाउट लिस्ट. लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? 0. इसकी क्या होगी? 1. If I am displaying L6 in square bracket L0, अब क्या आंसर आएगा? 100. मतलब 6 लोकेशन के ऊपर हमने 0 लोकेशन की वैल्यू देख ली. ठीक है, इज इट क्लियर? यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द मीटिंग. आई एम क्लोजिंग द मीटिंग. टेक केयर, बाय बेटा.